हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिलहाल मैं हूँ इंदौर में और हम स्टे कर रहे हैं फैब होटल्स का ही एक होटल है उसमें। तो चले मैं आपको कराती हूँ मेरी रूम टूर, बिकॉज सम हाउ दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सेगमेंट्स। तो मैं स्टार्ट करती हूँ फ्रॉम द डोर इटसेल्फ। ओके, अब मैं टर्न कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम खड़े हैं एकदम रूम के एंट्रेंस में और एंट्रेंस से आप देख सकते हैं टेबल। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो देर इज़ कबर्ड, फुल साइज़ कबर्ड है। खोल के दिखा देती हूँ। सो इट इज़ लाइक दैट, आप कुछ हैंग भी कर सकते हैं। देन देर इज़ अ लॉकर विच इज़ वेरी गुड, स्पेशली अगर आप ट्रैवल कर रहे हो। एंड अदर देन दैट ड्रॉर है और नीचे यू नो आपका बैगेज रखने की जगह है। सो प्रिटी गुड। चलें अब आपको ले चलती हूँ अंदर। यहाँ पे कॉर्नर में यू कैन सी देयर इज अ प्रॉपर टेबल एंड चेयर विच आई थिंक इज़ रियली नाइस, क्योंकि यू नो लैपटॉप है एंड इफ़ यू आर कमिंग फॉर ऑफिस वर्क तो बहुत ही अच्छा है। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी एसेंशियल फीचर। और यहाँ पे नीचे है यू नो फ्रिज छोटा सा, अगेन वेरी हेल्पफुल एंड वेरी एसेंशियल। यहाँ पे है फुल साइज टीवी विच इज़ लाइक रियली नाइस, यूज़ बहुत कम होता है पर्सनली, बिकॉज व्हेन आई ट्रैवल मैं टीवी वगैरह नहीं प्रेफर करती। एंड यस, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे भी सिटिंग अरेंजमेंट है, नीचे आप जूते रख सकते हैं एंड ओवरऑल बस काफ़ी क्यूट है अरेंजमेंट। और यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ रूम। तो दिस इज़ बेसिकली वॉट द रूम लुक्स लाइक। काफ़ी प्यारा है एंड यू नो साइज़ के हिसाब से भी इट इज़ वेरी कम्फर्टेबल फॉर टू पीपल। बेड की साइज़ भी काफ़ी बड़ी है एंड आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यू नो दो बेड साइड टेबल्स हैं और लैम्प्स है, रियली क्यूट। अगेन रूम पे काम बहुत अच्छा किया हुआ है एंड फॉल सीलिंग एंड जस्ट ओवरऑल रियली रियली नाइस। यहाँ पे यू नो फुल साइज़ एक्चुअली यहाँ पे विंडो है एंड बाहर प्लांट्स वगैरह है, तो यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सो दिस इज़ लाइक अ टेरेस काइंड ऑफ अ फीचर, प्लांट्स वगैरह है। बाहर से नहीं दिखा रही क्योंकि एसी लगा हुआ है तो मुझे खोलना नहीं है, तो बस ऐसे ही। तो यू नो पूरा ये खुल जाता है अगर आपको लाइट ज़्यादा चाहिए। तो ये है, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सामने की तरफ देयर इज़ अ फुल लेंथ मिरर विच आई थिंक इज़ सो कूल। हाय, हर लड़की के रूम में ऐसे एक फुल साइज़ मिरर होना ज़रूरी है, मैंडेटरी है, रूल ही बना देना चाहिए। तो यहाँ पे ऊपर एसी है और या आप वॉशरूम देख लें। वॉशरूम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट अच्छा होना। एंड या You have a mirror again and wash basin है, ऊपर शार है एंड यस बकेट दी गई है। काफ़ी स्पेशियस है, रियली नाइस। टाइल्स दिए हुए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यू हैव अ प्रॉपर टॉयलेट, टॉयलेटरीज दी गई हैं। एंड या वी विल हेड आउट अगेन। वन गुड थिंग दैट आई फील इस रूम के बारे में है ना, इज़ यू नो इनका डेकोर बहुत अच्छा किया हुआ है। इनफैक्ट ये जो उन्होंने दिया है ना, ये कलरफुल वाला पार्ट, आई थिंक उससे पूरे रूम का ना एक गेटअप ही चेंज हो गया है एंड काफ़ी स्पेशियस है, रियली रियली नाइस। तो मैं यहाँ पे आई हूँ एंड आई विल बी स्टेइंग फॉर अराउंड 2 days। और बैठ जाऊँ तो आपको बता दूँ प्रॉपरली, तो मैंने बुकिंग जो है मैंने ऑनलाइन किया था, उनका ऐप भी है, ऐप के थ्रू मैंने बुकिंग किया था। तो फर्स्टली मैंने किया था 4 दिन का बुकिंग, लेकिन फिर मेरे ट्रैवल प्लान्स जो हैं वो चेंज हो गए थे। एंड द थिंग इज़ अगर आप बल्क में बुकिंग करते हो तो यू गेट अ गुड डिस्काउंट। तो मुझे ऐसे था ना कि यार अब यू नो 4 दिन का कर दिया है तो अब कैंसिलेशन यू नो वट एवर क्या होगा। थोड़ा एडवांस मैंने दे दिया था, आई हैड पेड अराउंड 2000 एडवांस में। बट व्हेन आई केम टू द होटल आई टोल्ड दी मैनेजर कि भैया हमको यू नो कम कराने हैं। द मैनेजर
The manager of this hotel is also very nice, very friendly, and the staff is also very good and helpful. तो I called up you know Fab Hotel का जो customer care number है, तो मैंने उन पर call किया and मैंने उन्हें बताया कि you know मेरे travel plans change हो रहे हैं and they were really nice. And मेरा actually expectation था कि you know कुछ charge लेंगे या something, कुछ नहीं. The executive was also very helpful. अभिषेक नाम था उनका. एंड इमीडिएटली उन्होंने यू नो मेरी प्रेफर्ड जो डेट थी ट्रैवल कितना दिन करना है उन्होंने डेट ले ली और तुरंत वहाँ से उन्होंने चेंज कर दिया और विद इन आई विल से 30 seconds वो मेरे ऐप में भी रिफ्लेक्ट हुआ और बस रिमेनिंग जो अमाउंट था वो मैंने यहाँ पे होटल के लिए फिर पे कर दिया. इसीलिए आई थिंक विथ रिगार्ड्स टू दैट मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है उनके साथ एंड डेफिनेटली दिस इज़ वन रीज़न कि मैं फैब होटल्स प्रेफर भी बहुत ज़्यादा करती हूँ. चेन्नई तभी मैंने ज़्यादा इनफैक्ट व्लॉग नहीं किया था क्योंकि अंडमान से मैं डायरेक्टली चेन्नई गई थी बट यहाँ पे आई रियली वॉन्टेड टू शो यू नो द होल फैब होटल थिंग. दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड रिव्यू, दे शुड स्पॉन्सर मी क्योंकि मैं उनके साथ रहती ही उतनी हूँ. But yes, in fact, if you want to travel, you know, with Fab Hotels, you definitely should. Of course, आप आपके hotels आपके हिसाब से choose कर लें. मेरे budget में जो बैठता है, मुझे जो type के पसंद होते हैं, मैं वो देख के generally मैं, you know, booking कर देती हूँ. But in terms of, you know, booking का कुछ ये, booking is very good. बहुत easily होती है. आप उनके customer care के साथ भी, if you want to book, you can book. नहीं तो आपके through भी बहुत easily हो जाता है. Confirm booking होता है तो यू नो मुझे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम मैंने बुकिंग के रिलेटेड फेस नहीं की. और बिकॉज मैं यहाँ पे कैंसिलेशन करी थी क्योंकि तभी मच जनरली ज़्यादा होती है कुछ ऐप्स के लिए, लेकिन आई थिंक विथ फैब अगेन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. तो आई एम डेफिनेटली अ फैन एंड आगे भी डेफिनेटली मैं फैब होटल्स यूज़ ज़रूर करूँगी. सो दिस इज़ माई एक्सपीरियंस विथ रिगार्ड्स टू यू नो माई स्टे एट द फैब होटल्स यहाँ पे स्पेशली इंदौर में. एंड द नेम ऑफ दिस स्पेसिफिक होटल इज़ प्राइम एवेन्यू. तो अगर आप कभी इंदौर आ रहे हैं देन यू शुड डेफिनेटली चेक दिस आउट. इट्स अ ग्रेट प्लेस. इनफैक्ट रेस्टोरेंट भी है यहाँ पे नीचे. शायद मैं आपको वो भी दिखा दूँ जब मैं खाना खाने जाऊँगी. बट राइट नाउ दिस इज़ माय ओपिनियन अबाउट द होल रूम. क्लीन है, नीट है एंड यू नो आई एम जस्ट रियली रियली लाइकिंग इट. तो चलें मैं मिलती हूँ अब आपको नेक्स्ट टाइम जब मैं खाना खाने जाऊँगी तो वो भी कवर कर दूँगी सो दैट यू विल गेट सॉर्ट ऑफ द होलसम एक्सपीरियंस और होलसम रिव्यू ऑफ फैब होटल्स. रेस्टोरेंट इज़ गुड, आपको सारी बेसिक चीज़ें मिल जाती हैं. मेरा जो प्लान था, मैंने जो फैब से चूज़ किया था उसमें ब्रेकफास्ट फ्री वॉज द ऑप्शन. सो ब्रेकफास्ट वॉज ऑल्सो गुड. ओनली थिंग इज़ वेन इट कम्स टू लाइक वाटर, वाटर बेस्ट होगा अगर आप यू नो बाहर से ही लेके आएँ बिकॉज एज़ यूजल एज होटल पॉलिसीज गो चार्ज थोड़ा ज़्यादा होता है एंड यू नो वाई पे सो मच फॉर वाटर. सो दैट इज़ वन थिंग. मैंने आई थिंक पर नाइट के दिए हैं अराउंड 1300 to 1400 अराउंड दैट फिगर. एंड मैं यहाँ पे रुक रही हूँ 2 nights. सो आई हैव अप्रॉक्सीमेटली गिवन यू नो अराउंड 3000 समथिंग. सो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द लोकेशन ऑल्सो इट इज़ प्रिटी गुड. ये मेन सिटी में नहीं है, इट इज़ प्रॉपरली ऑन द हाईवे. रैडिसन होटल जो है जो एकदम सामने ही है. सो यू नो इट्स प्रिटी गुड इन टर्म्स ऑफ लोकेशन. तो अगर आप मेरे जैसे हैं और अगर आप थोड़े सिटी के शोरगुल से थोड़ा बाहर प्रेफर करते हैं देन दिस माइट बी अ गुड होटल फॉर यू. बट ओवरऑल माई experience with Fab Hotels was really really good and yes मैं definitely उनके साथ in the future भी travel करना चाहूँगी. and yes the Fab Hotels chain of hotels comes, it's Arpita time recommended. so that's it from me for this video. मैं मिलूँगी आपसे मेरे अगले video में.
लेकिन अगर आप अभी तक मेरे साथ हैं तो मेरे इस वीडियो को थम्स अप देना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय.